आज हम बनाने वाले सोयाबीन की रेसिपी, और ये ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यह रेसिपी। तो चलिए कर लेती हूँ मैं तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन ली है और ये छोटी वाली है, तो इनको ना मैं पानी में भिगो में डाल दे रही हूँ जिससे ये फूल जाए अच्छे से। और ये ना मैंने बिल्कुल सादा पानी लिया है, यानी कि ठंडा गर्म पानी नहीं लिया है, तो इनको मैं भिगो दे रही हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू रेसिपी ब्लॉग में। तो आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन की रेसिपी, और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में एंड तक। और किस तरीके से हम सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी लोगों की यही डिमांड रहती है, हमेशा शिकायत रहती है कि दी आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हो, कोई भी रेसिपी बनाती हो। तो आज के बाद हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं, और आप लोग हमें मतलब सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको। तो चलिए फिर तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन ली है, और ये छोटी वाली सोयाबीन है, और ये इनको ना मैंने पानी में भिगोने डाल दिया है जिससे ये फूल जाए अच्छे से। और ना ये छोटी वाली सोयाबीन ली है मैंने, तो ये गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल सादा पानी है, ठंडा पानी है मतलब। तो इसको मैंने डाल दिया है भिगोने के लिए। और अब कर लेती हूँ मैं मसालों की तैयारी। तो मसाले में क्या क्या लेती हूँ, तो यहाँ पे सोयाबीन अच्छे से फूल गई थी, तो मैंने इसको पानी से बाहर निकाल लिया है, और इनका पानी ना बिल्कुल निकाल दिया है मैंने सोयाबीन का निचोड़ के। और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। और इधर गैस पर रख दिया है कढ़ाई, जिसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और पहले हम ना सोयाबीन को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इनको छौंकेंगे दोबारा से तेल डाल के। तो यहाँ पे सरसों का तेल गरम हो गया है, और हम सोयाबीन को पहले फ्राई करेंगे। और अब की बार ना सोयाबीन में ऐसे ही बना रही हूँ, यानी कि टमाटर नहीं डालेंगे। और इसमें चाहो तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन हम ना ऐसे ही बनाएंगे, इसमें आलू नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू खा खा के उब गए हैं, तो इस वजह से आलू नहीं डालेंगे हम। इनको ना लो फ्लेम पे फ्राई करना है, एकदम रेड सी हो जाए, उसके बाद हम इनको कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो सोयाबीन ना यहाँ पर फ्राई कर ले रही है, और हमारा एक तरफ कैमरा भी चल रहा है। तो देखिए सोयाबीन ना एकदम हल्की हल्की रेड सी हो गई है, अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल ले गए हैं प्लेट में, इस बार भी प्लेट में ही निकालेंगे। और मैंने ना फिर से कढ़ाई में तेल डाल दिया है सरसों का। अब हम भूनेंगे सारे मसाले। तो यहाँ पे सरसों का तेल गरम हो रहा है, और इधर मैंने हींग जीरा तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम हींग जीरा डालेंगे, थोड़ा सा और तेल गरम हो जाए। तो हमने हींग जीरा डाल दिया, लहसुन, अदरक, इनको अच्छे से भूनेंगे।
उसके बाद हम डालेंगे प्याज, जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो प्याज अच्छे से भुन गई थी और उसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, इनको भी अच्छे से भून ले रही हूँ। और अब कुछ मिलाएंगे हम मसाले, तो मसाले में सबसे पहले डालती हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी जिससे मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं। और इन मसालों को भी अच्छे से भून ले रही हूँ। मसाले अच्छे से भून गए हैं और अब सोयाबीन डाल दे रहे हैं, और उसके बाद मैंने डाली है लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला, और इसको अच्छे से सोयाबीन में मिला दे रहे हैं। और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, और अब इसमें डाल दे रहे हैं पानी। तो जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उतना हम पानी डालेंगे। लग रही ना अच्छी, कितनी अच्छी देखने में लग रही है, कितना अच्छा कलर भी आया है सब्जी में। तो नमक डाल दे रही हूँ मैं स्वाद अनुसार, और इनको ना लो फ्लेम पे हम पकाएंगे और इसको ढक दे रहे। तो गाइस सब्जी बनने वाली है, और चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके की हमारी सोयाबीन की सब्जी बन रही है। तो इधर सब्जी बन रही है, तब तक मैंने हरा धनिया तैयार कर लिया है और आप लोगों को दिखाते हैं सब्जी कैसी बनी है। तो ये देखिए, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी ग्रेवी इसमें है, और ये देखिए। तो इसमें डाल देती हूँ मैं हरा धनिया पत्ती, और इसको निकाल ले रही हूँ एक बड़े बर्तन में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में, तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सोयाबीन की सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी सच में खुशबू आ रही है, और ना बहुत ही अच्छी लग रही है सच में देखने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो सोयाबीन की सब्जी बनके हो गई है तैयार। अगर बताने या बनाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी सोयाबीन की सब्जी कैसी लगी आप लोगों को।